सवाल है आपका अमित? मैम, मैंने इरेडा बाइक का रखा है, 300 क्वांटिटी है, एट द रेट ऑफ 256। ओके, और कितना समय आप इसको देना चाहते हैं? 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीना, डिसेंट अमाउंट। गौरांग, हमारी पहले भी बात हो चुकी है रेडा पर आपके साथ, बताइए 256 इनकी बाइंग प्राइस है, 6 महीने तक ये रह सकते हैं। देखिए कविता, अमित जी को मैं एक नम्र विनंती करूंगा कि अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो समय सीमा बढ़ा दीजिए। ये इसलिए मैं राय दे रहा हूँ क्योंकि जब आईपीओ आया था, मेरे ख्याल से 32 के आसपास का आईपीओ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। उसके बाद 300 के पार भी गया ये, और फिर अब ये 200, 225 और ऊपर ऊपर के तरफ 250, 275 के आसपास एक दायरेबंद कारोबार कर रहा है। जिस प्रकार से टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी हैं अपनी ऑर्डर बुक को लेकर के, वो काफी सक्षम और मजबूत है। और ये कंपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वित्तीय सहायता करती है, खास करके जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी पावर जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं। और छोटी मध्यम अवधि में यहाँ पर कुछ होता नहीं है इस प्रकार की कंपनियों में। अगर आपको छोटी मध्यम अवधि के लिए कारोबार करना है तो आपको दूसरे किसी क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप पावर फाइनेंसिंग, पावर जनरेटिंग, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, डिफेंस, रेलवेज वगैरह क्षेत्र में निवेश करते तो आपको नजरिया लंबी अवधि का लेना चाहिए। ये राय मैं उस आधार पर दे रहा हूँ जब आईपीओ नोट हमने निकाली थी, उसके आधार पर दे रहा हूँ। तो हो सकता है तो समय परिवर्तन कर लीजिए और लंबी अवधि के लिए बने रहे। बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह इरेडा पर स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न्स भी पिछले कुछ महीनों में दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अमित। राम प्रवेश जी, हम जियो फिनांस और उज्जीवन, इन दोनों पर राय दे पाएंगे, और बाकी जो आपका स्टॉक है वो हमारे कवरेज क्षेत्र में नहीं है। तो हम उज्जीवन स्मॉल फिनांस बैंक और इसके साथ ही जियो फिनांस पे आपको राय देते हैं। चलिए, उज्जीवन स्मॉल फिनांस बैंक 45.5 रुपये के आसपास इन्होंने लिया हुआ है, और 350 के भाव पे जियो फिनांस इन्होंने लिया हुआ है। बताएं गौरांग सर, क्या करना चाहिए? बना रहे लंबी अवधि का नजरिया है तो हमें लग रहा है कि जो भी सरकारी बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, या फिर मजबूत एनबीएफसी है, आने वाले समय में ऋण की मांग बढ़ेगी और उसके आधार पर नतीजे अच्छे आएंगे। तो उज्जीवन फाइनेंस में मेरे ख्याल से अगर आप हमारे लक्ष्यांक की बात करते तो करीबन 52 के पार के लक्ष्यांक है उज्जीवन फाइनेंस पर लंबी अवधि के लिए बने रहे। जियो फाइनेंस के जहां तक सवाल है तो एक बहुत ही शानदार परफॉर्मर लिस्टिंग के पश्चात हुआ, और फिर एक दायरेबंद कारोबार 300, 325 नीचे के तरफ और ऊपर के तरफ 350 से लेकर के 360, 365 जाता है और फिर नीचे आ जाता है। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो हमारे 415 तक के लक्ष्यांक है, निश्चिंत होकर के बने रहें। अगर और जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, किसी को नया निवेश करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक पर आपका जो है वो बेहतर नज़रिया और इसमें बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों का सिलसिला बना रहेगा। बने रहिए टीना स्वदेश के साथ।